चलो हम मस्ती करें, हाँ स्वामी फिर से आया है। चलो मिलकर खुशी बाटे, हाँ स्वामी फिर से आया है। खूबसूरती से भरे है ये नजारे, हाँ बात बन जाए जब मिलकर गाते हैं दोस्त सारे। प्यारे बादल घिर आए, हाँ स्वामी फिर से आया है। कमाल की बल तैयार हो जाए, हाँ स्वामी फिर से आया है। है ऐसा वक्त ये जो सबको जोड़े, दोस्ती पक्की करे, हाँ स्वामी फिर से आया है। ये वक्त है खुशियाँ मनाने का, डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग। केक और पेस्ट्री खाने का, डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग। नाचो और झूमे जाओ जब तक तुम ना थक जाओ, चलो मिलकर सब गाओ, हाँ स्वामी फिर से आया है। हमको सजावट करनी है, हाँ स्वामी फिर से आया है। हर चीज में परफेक्शन चाहिए, हाँ स्वामी फिर से आया है। ना करना गलती जिससे वो टूट जाए, ओ अब क्या करें, हाँ स्वामी फिर से आया है। हैप्पी 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 हैप्पी, हाँ स्वामी फिर से आया है। हे स्टार नाइट, क्या तुम पोनीविल में अपनी पहली हॉट स्वामिंग ईव मनाने के लिए तैयार हो? मैं सोच रही थी कि मैं इसमें शामिल ना हूँ। दिल जो है स्ट्रॉन्ग भी, शेयरिंग काइंडनेस है इजी, और मैजिक से ही जिंदगी मेरी दोस्ती ये दोस्ती है पक्की। हार्ट वार्मिंग ईव में शामिल नहीं होगी? मुझे ये सब थोड़ा सिली लगता है। ये पूरा एक दिन सिर्फ कैंडीज और तोहफों के लिए होता है ना? और तुम कैंडी और तोहफों से दूर क्यों भाग रही हो? ऐसा मत करो। मेरे ख्याल से स्पाइक कहना चाह रहा है कि हाँ स्वामिंग ईव तोहफों और कैंडी से कहीं ज्यादा है। ये मौका है दोस्तों और परिवार के साथ वक्त बिताने का और इक्वेस्ट्रिया के इतिहास को सेलिब्रेट करने का। मुझे लगता है ज्यादातर पोनीज के लिए बस गाना गाने और मजे करने का बहाना है, न कि किसी पुरानी कहानी को याद करने का। तो शायद तुमने अब तक सही हॉट स्वामिंग ईव की कहानी नहीं सुनी है। अर्थ पोनीज पेगासाई और यूनिकॉर्न्स जमा होते हैं और गाते हैं उस कभी ना खत्म होने वाली सर्दी से लड़ने के लिए जिसे मिथिकल विंडिगोज ने पैदा किया था। हर फूल और फिली ये कहानी जानता है। ये वाली नहीं, मेरी फेवरेट हॉलीडे स्टोरी, अ हॉट स्वामिंग टेल। ओह, मुझे वो बहुत पसंद है। ये स्नोफॉल फ्रॉस्ट नाम की उस ताकतवर यूनिकॉर्न की कहानी है जिसे हॉट स्वामिंग ईव पसंद नहीं थी। इसकी शुरुआत बहुत साल पहले कैंटलॉट में हुई थी। कैंटलॉट के हर घर में छुट्टियों की खुशियां भरी थी, हर घर में सिवाय एक के। स्नोफॉल के बारे में कहा जाता है कि उसने लगभग स्टार्स वर्ल्ड द बियर्डेड के बराबर पढ़ाई की थी, लगभग, क्योंकि हर पोनी जानती है कि स्टार्स वर्ल्ड एक एक्सपर्ट थे ट्रांसफिगरेशन से लेकर डायमेंशनल कैलिब्रेशन टेलीपोर्टेशन हर चीज में। हम समझ गए, स्टार्स वर्ल्ड ऑसम है। सही कहा। पॉइंट ये है कि स्नोफॉल भी एक ताकतवर यूनिकॉर्न थी, वो परफेक्ट बनना चाहती थी और इसके बीच में जो भी आता वो वक्त की बर्बादी थी। वेल, ये बैच तो बेकार हो गया। स्नो डैश। स्नो डैश स्नोफॉल की वफादार असिस्टेंट थी। क्या चाहिए आपको? इस कचरे को साफ करो। वो बेवकूफ पोनीज खिड़की के बाहर बेल्स बजा रही थी और उससे मेरा ध्यान भटक गया। वाह, पोनीज दरअसल हॉट स्वामिंग ईव मना रही हैं। उन्हें ये बेकार आइडिया कहाँ से आया? आज जश्न मनाने का दिन नहीं है, हॉट स्वामिंग ईव बिल्कुल बकवास है। पूरे इक्वेस्ट्रिया के लिए खतरनाक दिन। खतरनाक? ये मजेदार है। ये वो दिन है जब हम याद करते हैं कि कैसे यूनिकॉर्न्स पेगासाई और अर्थ पोनीज ने आपस में दोस्ती करके विंडिगोज को हराया था। ये बेकार कहानी ही तो प्रॉब्लम है। हर पोनी को ये बताती है कि गाने गाने और अच्छे बनने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने सालों तक जादू की पढ़ाई की है और ऐसा नहीं होता। दरअसल मेरे ख्याल से आप बात को समझी नहीं। मेहनत करो, सीखो और अपने काम की मदद से इक्वेस्ट्रिया को एक बेहतर जगह बनाओ। हर पोनी के लिए बस यही एक गोल होना चाहिए। पर जो भी हो, अगर तुम घर जल्दी जाना चाहती हो तो सारा काम छोड़ो और बाकी दिन अपने हिसाब से बिताओ। स्वीट!
वाह, मुझे हॉट स्वॉर्मिंग ईव से नफरत है। पूरे इक्विस्ट्रिया के लिए अच्छा होगा कि हम इस दिन को मनाना ही बंद कर दें। हैप्पी हॉट स्वॉर्मिंग कह के खुशी मनाए, हैप्पी हॉट स्वॉर्मिंग कह के ये नाचे गाए, बातें ऐसी जिनका कोई मतलब ही नहीं, क्यों इसमें हिस्सा लूं ये पसंद मुझे है नहीं, लेकिन ये छुट्टी पसंद है हर पोनी को, ना होगी ये छुट्टी तो समझ आएगा इनको। Well, oh, कैसे मैं बाय इस छुट्टी को कह दूं, काम आ जाए मेरा जादू, एक ऐसा गिफ्ट मैं दे दूं जिसे पोनी बिल को समझा सकूं, ना कोई ऐसे गेम जो तुम खेल पाओ, अच्छा होगा इन छुट्टियों को भूल जाओ। Goodbye heart swarming, तुम्हें जाना होगा। Goodbye heart swarming, अब सब खत्म होगा। ना होंगे तुम्हारे कोई सेलिब्रेशन, ना होगी कोई पार्टी, ना ही इनविटेशन, कैलेंडर में कम होगी एक छुट्टी, मेरे मैजिक में कमी ही नहीं, देखो कामयाबी मिली है कि नहीं। मैं बाय इस छुट्टी को कह दूं, काम आ जाए मेरा जादू, सब यादों को मैं मिटा दूं, हाँ इक्वेस्ट्रिया का चेहरा बदल दूं, ना किसी को भी अब याद रहेगा। हैप्पी हार्ट स्वॉर्मिंग। जादू जैसे ही ये जादू चलेगा पूरे इक्विस्ट्रिया का भला हो जाएगा, और इसके लिए वो मेरा शुक्रिया अदा कर सकते हैं। एक मिनट रुको, स्नोफॉल को हार्ट वार्मिंग ईव पसंद नहीं थी तो उसने इससे छुटकारा पाने के लिए सब पर जादू कर दिया। तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा हो गया? ये बात वो पोनी कर रही है जिसने सबके क्यूटी मार्क्स ले लिए थे और सबको इक्वल साइन दे दिया था। मेरे ख्याल से स्पाइक कहना चाह रहा है कि हर पोनी के पास अपनी वजह होती है, तो स्नोफॉल के पास भी थी, और अगर तुम मुझे कहानी पूरी करने दो तो शायद हमें पता चल जाए कि वो वजह क्या थी। आगे सुनाओ। स्नोफॉल जादू करने के लिए तैयार थी जो हॉट स्वॉर्मिंग ईव को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देता था, और तभी हॉट से एक आवाज आई। तुम्हें पूरा यकीन है तुम ऐसा करना चाहती हो? कौन है वहाँ? मैं हॉट स्वॉर्मिंग की आत्मा हूँ, और कौन? हम दोनों को पहले आपस में बात कर लेनी चाहिए। एक आत्मा? मैंने कोई आत्माओं को बुलाने वाला जादू ही नहीं किया। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम ऐसा जादू करोगी और किसी ताकत को इसके बारे में पता नहीं चलेगा? तुमने हमारा ध्यान अपनी ओर खींचा है स्नोफॉल फ्रॉस्ट, और हमारे पास तुम्हारे इस जादू के बारे में कहने को कुछ है। हम? वो बस आते ही होंगे, अभी के लिए सिर्फ मैं और तुम है। चलो शुरू करते हैं, हमें बहुत कुछ देखना है और हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं कहीं नहीं जाने वाली, मुझे एक जादू करना है, और मुझे हॉट स्वॉर्मिंग ईव के बारे में जानने के लिए किसी हिस्ट्री लेसन की जरूरत नहीं। हम अतीत में जाकर इस हॉलीडे के बारे में नहीं सीखने वाले, हम तो जानने वाले हैं तुम्हारे बारे में। जैसे हम बड़े होते हमको पता चलता है, लाइफ हमको चॉइसेस देती रहती है, पेड़ उगते हैं बीजों से, वैसे हमारे सपने हमको मंजिल तक के ही पहुँचाए। और जो भी तुमको चुनना है चुनो, और मंजिल की राहों के सपने बुनो, लेकिन यादों को रखना तुम हमेशा दिल में, कल खूबसूरत बनेगा उनसे। देखो तुम कितनी क्यूट लग रही हो, लगता ही नहीं कि तुम हॉट स्वॉर्मिंग ईव को लेकर परेशान हो। वो यादें है खास, रखना दिल के पास, कौन थे तुम ना भूल जाना, जब बीजे बढ़े
तो क्या दिखलाए, सच से ये सामना करवाए। तुम्हारे ख्याल से तुम क्या कर रही हो स्नोफॉल? हॉट स्वॉर्मिंग ईव के लिए क्लासरूम को सजा रही हूँ प्रोफेसर फ्लिनहार्ट। तुमने कहा था कि तुम एक ताकतवर यूनिकॉर्न बनना चाहती हो, है कि नहीं? जी हाँ। ये बताओ कि एक ताकतवर यूनिकॉर्न कैसे बना जा सकता है? अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके इक्विस्ट्रिया को एक बेहतर जगह बनाकर। और इससे तुम्हें जादू सीखने में क्या मदद मिलती है? मैं विनिगोस को रोकने और पोनीज की मदद करने के लिए ताकतवर बनना चाहती हूँ। वो बस एक कहानी है जो हम छोटी पोनीज को सुनाते हैं। असली जादू सीखने में वक्त लगता है। तुम्हारी मर्जी है, तुम अपना वक्त एक ताकतवर यूनिकॉर्न बनने में इस्तेमाल कर सकती हो या फिर अपने खिलौनों के साथ खेलकर कुछ नहीं बनने में। होती तकलीफ और गलत फहमी, लगता ऐसा मुझ में ही कमी, होता है दर्द भी, इसको कैसे कम करूं या इसके सोचने के ढंग को बदल दूं। और चाहे उस वक्त समझ में ना आया, दिल में अपने तुमने दर्द को छिपाया, पर जो पोनी तुम बनने वाली हो मिलेगा रास्ता, बस ना भूलना उन यादों को। वो यादें हैं खास, रखूं दिल के पास, पर बुरी यादें जाती नहीं है, भुला दूं उनको, आगे तुम बढ़ो और पूरा करो सपनों को। आत्मा, मुझे क्या करना चाहिए? स्नोफॉल फ्रॉस्ट, ये मैं हूँ, हार्टवार्मिंग ईव के प्रेजेंस की आत्मा। तुम्हारा मतलब प्रेजेंट नहीं है, मतलब टाइम वाला? नहीं, खिलौने, हार्टवार्मिंग डॉल्स, ये लो कपकेक। ठीक है, प्रेजेंस, वो सारी बेकार की चीजें जिनमें पोनीज अपना वक्त बर्बाद करती हैं। ओह स्नोफॉल, तोहफा क्या है वो मायने नहीं रखता, तोहफे का मतलब क्या है वो ज्यादा मायने रखता है। ये कुछ भी मायने नहीं रखता, ये बस सामान है। बिल्कुल, कभी कभी एक कपकेक का मतलब होता है आई लव यू, या फिर एक खिलौने का मतलब होता है हाय कैसे हो तुम, और कभी कभी एक किताब का मतलब होता है तुम्हारे बाल बहुत सुंदर लग रहे हैं, और एक स्कार्फ का मतलब है आमतौर पर एक स्कार्फ का मतलब होता है शायद तुम्हें ठंड लग रही है। तुम जो भी कह रही हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें क्या हो रहा है? मेरी स्पिरिट ऑफ हार्ट फॉर्मिंग प्रेजेंट सेंस कमजोर पड़ रही है, इसका मतलब है अभी गाना आने वाला है। देखो आस पास तुम है खुशियाँ यहाँ, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, तुम हार्ट फॉर्मिंग होगा ना वहाँ, बातें सबके साथ खुशियाँ, सबके साथ मस्ती करें, दो चॉइस या हग्स या स्वेटर्स, होंगे ये पल प्यारे, तोहफे हो तो क्या बात हो, चाहे बड़ा हो या छोटा, दोस्ती में है सब चलता जब प्यार सच्चा होता। तो बोलो कैसी लगी पार्टी, जो तुम्हें नहीं चाहिए थी, शायद तुम्हें ना पता हो क्या जादू है देखो इस हार्टवार्मिंग की, चलो दोस्तों के साथ तुम झूमो, हाथ ताल से ताल मिलाओ, बांटने से खुशियाँ बढ़ेंगी, हाथ तोहफे देते जाओ, तोहफों से प्यार बढ़ता है इस बात को ना भूल जाओ, दोस्तों के साथ खुशियाँ बांटो, उनके साथ तुम वक्त बिताओ, सारे तोहफे ना रख लेना, दोस्तों में बांटते जाओ, जब चेहरे उनके खिल जाए तब तुम भी मुस्कुराओ, गले लगाओ। और ये एक वजह है अपने दोस्तों से मिलने की। क्या क्या तुम्हारी पिंकी की आवाज की नकल ठीक है? मैंने ऐसा नहीं तो
आगे क्या होता है? Well, पार्टी में... रुको, क्या मैं छोटा सा ब्रेक ले सकता हूँ? मुझे कोको रिफिल करना है। ठीक है, पर जल्दी करना, बेस्ट पार्ट आने वाला है। ओके, मैं तैयार हूँ। तो पार्टी पूरे जोश में थी। स्नो डैश, हे मैरी, क्या हुआ, क्या बात है डार्लिंग? एगनॉग अच्छा नहीं लगा, मुझे पता था दालचीनी ज्यादा हो गई। ओ नहीं, एगनॉग बहुत ही अच्छा था फ्लटर हॉली। मुझे बस उस पोनी पर गुस्सा आ रहा है जिसे लगता है कि हार्ट स्वार्मिंग ईव एक बकवास दिन है। क्या उसका नाम स्नो से शुरू होता है, बताओ? और फ्रॉस्ट से खत्म होता है? उसने कहा कि हार्ट स्वार्मिंग ईव बस एक पार्टी करने का बहाना है और हम सबको इसकी बजाय इक्वेस्ट्रिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए। स्नोफॉल को क्या लगता है कि एक बेहतर इक्वेस्ट्रिया कैसा होगा? जहाँ पोनीज मेहनत करती हूँ, सीखती हूँ और अपनी काबिलियत को इक्वेस्ट्रिया की भलाई के लिए इस्तेमाल करती हूँ। लगता है हमने स्नोफॉल की लिस्ट में लिखा सब कुछ ले लिया है। यहाँ पर एक परफेक्ट इक्वेस्ट्रिया बिल्कुल किसी हार्ट स्वार्मिंग ईव की पार्टी जैसा लगता होगा। मुझे भी बहुत बुरा हुआ कि ये आखिरी पार्टी होगी हमेशा 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 के लिए। आत्मा, तुम्हारा क्या मतलब है, क्या होने वाला है? किसी हार्ट स्वार्मिंग ईव की पार्टी जैसे। तुम कौन हो? मैं आने वाली हार्ट स्वार्मिंग की आत्मा हूँ। तुम यहाँ मुझे ये दिखाने आई हो कि अगली हार्ट स्वार्मिंग ईव कैसी होगी? नहीं, क्योंकि मेरे दिखाने के लिए अब कोई हार्ट स्वार्मिंग ईव बची ही नहीं है। क्यों नहीं? तुम इस हॉलिडे को मिटाने में कामयाब हो जाओगी जैसा कि तुमने सोचा था। और फिर क्या होता है? ठंडी हवा का एक झोंका ले जाए यहाँ की आजादी, यहाँ का कल तुम बनाओगी जो शायद होगा ना सही। फ्यूचर में होना चाहिए जादू, भूत पेशाच यहाँ हो और कल होगा सब होगा टेढ़ा मेढ़ा, सब खत्म हो जाएगा पोनीज के सपनों के साथ। अंधेरा रह जाएगा, याद रखना मेरी बात। फिंडिगोस, वो असली नहीं है, ये बस नन्ही फिलीस की कहानी है। वो सभी असली है स्नोफॉल, और तुम्हारी हरकत उन्हें वापस ले आएगी। इक्वेस्ट्रिया का भविष्य बर्फ की चादर में हमेशा के लिए ढक जाएगा। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी, मैं कुछ समझी नहीं। मैंने ये नहीं सोचा था कि हार्ट स्वार्मिंग ईव क्यों इतनी जरूरी है। प्लीज आत्माओं, मैंने अभी जादू का इस्तेमाल नहीं किया है, क्या अभी भी वक्त है? मुझे माफ कर दो। अभी भी वक्त है। आज की पार्टी बहुत अच्छी है। सच कहा तुमने। अरे तुम? स्नोफॉल फ्रॉस्ट? उम्मीद है मैं पार्टी के लिए लेट नहीं हूँ, मैं गिफ्ट्स भी लेकर आई हूँ। बॉस, मैं गलत थी हार्ट स्वार्मिंग ईव के बारे में। इसमें सिर्फ गाने और तोहफे ही नहीं होते। गाने और तोहफे तो उन पोनीज का जश्न मनाने के लिए है जो हमारी जिंदगी में है, और पोनीज जिनकी बात हमें सुननी चाहिए, हमारे दोस्त। वाह, ड्रैगन के अंगूठे का नाखून। थैंक्स। मैं जल्दी में थी, अगली बार मैं बेहतर करूंगी। मजाक कर रहे हो, मुझे पहले कभी किसी ने ड्रैगन के अंगूठे का नाखून नहीं दिया। ये शानदार है, अब आकर एगनॉग खाइए। और इसके बाद से सभी हार्ट स्वार्मिंग ईव सेलिब्रेशन में कहा जाने लगा कि स्नोफॉल का हार्ट सबसे खुश था। दी एंड। वेल, तो ये बात है, मुझे कहानी पढ़ने देने के लिए थैंक्स। मेरे ख्याल से अब तुम सोने जा सकती हो। स्पाइक और मैं अब नीचे जा रहे हैं, और अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ आ सकती हो।
पार्टी में सबका स्वागत है। हैप्पी हार्ट्स वार्मिंग स्टारलाइट, हैप्पी हार्ट्स वार्मिंग ट्वाइलाइट। हार्ट्स वार्मिंग में होते हैं तोहफे जो देते हैं खुशियाँ, दोस्ती में क्या मजा है कैसे मैं करूँ बयां। भूल जाओ पुरानी बातों को, बस आज का तुम मजा लो, और होती नहीं इसमें मुश्किल जब दोस्तों का साथ हो। चलो हम मस्ती करें, हार्ट्स वार्मिंग फिर से आया है, सबके संग खुशी बातें, हार्ट्स वार्मिंग फिर से आया है, करना है सेलिब्रेट।